और हज़रत मेरा और एक सवाल ये है कि अक्सर कुर्बानी जब हम देते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा गोश्त उठा कर रखते हैं और बांटने में जो है थोड़ा सा तकसीम करते हैं, तो शरीयत में तकसीम की कोई हद या कोई तरीका बताया है? अगर ये बताया है तो क्या ये वाजिब है इस तरह से तकसीम करना या मुस्तहब के जुमरे में है? तो ये पहले आप सवाल का जवाब बताएं कि कुर्बानी का गोश्त हम किस तरह से तकसीम करना हमारे लिए बेहतर है। कुर्बानी का गोश्त हमारे लिए बेहतर और मुस्तहब ये है कि तीन हिस्सा करें कुर्बानी के गोश्त का, एक हिस्सा फकीरों के लिए और एक हिस्सा दोस्तों अहबाब के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखें। लेकिन अगर घर वाले में इतने अफराद हों कि सारा गोश्त इन्हीं अफराद में हो जाता हो तो अब सारा गोश्त अपने घर वालों के लिए भी रख सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, तो अगर आप तकसीम कर देंगे तो आपको क्या है मुस्तहब अम्र का सवाब मिलेगा। लेकिन अगर ये बात मालूम रखते हुए कि हम 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना जमा करके रखेंगे तो क्या हमारे घर वाले खाएंगे, उस घर में अफराद 2 ही 3 हैं और तकसीम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल नाजायज है। अगर अफराद ज्यादा हैं तो रख सकने की इजाजत है, लेकिन अगर अफराद कम हैं उसके बावजूद नहीं तकसीम कर रहे हैं तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा करें और उसके बाद हम दोस्तों अहबाब को भी दें, फकीरों को भी दें और अपने घर वालों के लिए भी करें, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। वल्लाहु रसूलुहु आलम। आखिर